हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रिड मेथड की कि ग्रिड मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो तीन तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले हम जितना भी हमारा रेफरेंस पिक्चर होती है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितनी भी बड़ी हो, हमें सेम बनानी होती है। कई बार होता है कि हमें डबल बनानी होती है, जितना हमारी रेफरेंस पिक्चर है उसका डबल, कई बार डेढ़ गुना बनानी हो। तो इस वीडियो में मैं तीनों तरीके से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मान लिया हमारी रेफरेंस 5 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी है। ठीक है, तो हम 5 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबाई लेके एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बॉक्स बनाने हैं 1-1 इंच के, हम इसमें बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट लगा लेंगे 1 इंच पे चारों तरफ। फोर इधर भी, अब इनको लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई रेफरेंस पिक्चर। मान लिया ये रेफरेंस पिक्चर है, इसी के सेम साइज़ की हमें बनानी है, तो हमें सेम पेपर लेके सेम बॉक्स उसमें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। इसमें नंबर डाल देंगे हम 1 2 3 4 और 5। 2 3 इधर भी, वर्टिकुलर भी, हॉरिजॉन्टल भी। इसका सेम हमें अगर बनाना है तो सेम पेपर लेंगे और सेम बॉक्स हम इस रेफरेंस में भी ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लगाएंगे 4 इधर, 4 इधर, ठीक है, ये तो हमारा सेम वाला बन गया जो हमें इसकी सेम इसमें बनानी है। बनाएंगे कैसे, मान लिया इसमें हमारी पिक्चर बनी हुई है, ये फ्लावर, ये फ्लावर बना हुआ है, सेम फ्लावर हमें इधर बनाना है। तो हम क्या देखेंगे कि
हमारे एक पार्ट में, इसमें इस ब्लॉक में, सिर्फ इस ब्लॉक में, इसको, ये वाला ब्लॉक, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ए, ठीक है। इसमें भी नंबर हम ऐसे ही डालेंगे सेम जैसा इसमें डाले हुए हैं। तो ऊपर से सेकंड और साइड से सेकंड, इसमें भी ऊपर से सेकंड, साइड से सेकंड। तो इसमें सिर्फ कितना पार्ट बना हुआ है? इसमें सिर्फ ये पार्ट बना हुआ है, इतना ओनली। तो सेम पार्ट हमें, हमें और कुछ नहीं देखना, ये सब हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है कि इस बॉक्स में कैसे बना हुआ है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमें ऐसे बनाना है, सेम इस तरीके से हम ये ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारी सेम पिक्चर ऐसे ही बन जाएगी जो जो यहाँ पर है। अब अगर हमें बनाना हो इसका दो गुना, डबल, तो हम कैसे बनाएंगे? मान लिया ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पेपर थोड़ा छोटा है तो हम इसको 4 ले लेते हैं। मान लिया ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम डबल लेंगे 8। ये 4 सेंटीमीटर है, इसको भी डबल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका डबल 8 सेंटीमीटर हम कैसे करेंगे? तो हमें 8 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ ए, ये, ठीक है। एट इधर, एट इधर, और एट ही इधर। अब हमें, हमारे पास 4 को डबल करा है हमने, तो इसमें 4 को डबल किया है, तो एक जो बॉक्स बनेगा वो हमारा 2 सेंटीमीटर का बनेगा, क्योंकि हमें 4 बॉक्स ही बनाने हैं। तो 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स, फिर 2 का, और ऐसे इस तरीके से हम डॉट लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर भी डॉट लगाएंगे 2-2 सेंटीमीटर पे, और इधर भी 2-2 सेंटीमीटर पे डॉट लगाएंगे। अब इस पिक्चर का अगर हमें डबल बनाना है 4 सेंटीमीटर वाली का, तो 8 सेंटीमीटर में, तो हम, हमारा 8 सेंटीमीटर इधर होगा, 8 सेंटीमीटर इधर होगा, तो इसमें हम 4 बॉक्स बना लेंगे। अब हमें क्या देखना है कि नंबर डालेंगे 4, ठीक है। इस बॉक्स में हमें सेम फ्लावर बनाना है, ये वाला। तो ये हम देखेंगे पहले, हाफ से थोड़ा इधर है, ये हाफ है, इससे थोड़ा इधर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हाफ है, हाफ से थोड़ा इधर नीचे। तो ये पहले पॉइंट लगा लेंगे, फिर इसको शेप देंगे। ऐसे तो ये हमारा बन जाएगा डबल। अब मान लिया अगर हमें बनाना है 1.5 गुना, तो 1.5 गुना हम कैसे बनाएंगे? 1.5 गुना बनाने के लिए हमारे पास जो रेफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है, इसको 1.5 गुना 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1.5 से इसकी चौड़ाई के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हमारा आ जाएगा 6.0 और 6.0, ठीक है। तो ये हमारा डेढ़ गुना बन जाएगा। फिर हमें ये 6 इंच 6 सेंटीमीटर ये खींचना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर ये वाली लंबाई खींचनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेढ़ गुना बन जाएगा, ये सेम बन जाएगा और ये डबल बन जाएगा। तो ये तरीका होता है रेफरेंस सेम बनाने के लिए, हम ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, कुछ भी आपको इससे अच्छा लगा हो या आपने कुछ भी सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग पूछना हो तो मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू।